सैफ अली खान स्टारर फिल्म लाल कप्तान का नया पोस्टर रिलीज हो गया है। दशहरा से ठीक एक दिन पहले रिलीज हुआ यह नया पोस्टर दशानन अवतार से इंस्पायर्ड नजर आ रहा है। नागा साधु के रोल में सैफ के 10 सिर वाला पोस्टर सामने आया है। लाल कप्तान के ट्रेलर और पहले रिलीज हुए पोस्टर्स में सैफ का नागा साधु वाला लुक दिखाया गया था। सिर पर लाल रंग का कपड़ा बांधे, माथे पर तिलक, चेहरे पर भस्म, लंबी दाढ़ी और घनी जटाएं, कुछ ऐसे डार्क लुक में सैफ दिखाई दे रहे हैं। फिल्म के डायरेक्टर नवदीप सिंह ने कहा कि इस रोल की तैयारी को लेकर नवदीप ने एक इंटरव्यू में बताया, सैफ को इस किरदार के लिए मनाना मुश्किल नहीं था। पहली बार जब उन्होंने कहानी सुनी और यह पता चला कि कैरेक्टर वेस्टर्न है तो वे बहुत एक्साइटेड हुए। उन्हें वेस्टर्न पसंद है और 18 साल की उम्र से ही इस तरह का कैरेक्टर प्ले करने की इच्छा रखते हैं। गलियों में भागता एक आदमी इंसान की लाश को खींचता हुआ उन्होंने आगे बताया, मेरी सबसे बड़ी परेशानी थी एक ऐसे प्रोजेक्ट पर काम करना था जिसमें अपने आइडिया के मुताबिक प्रोड्यूसर पैसे खर्च करेंगे और ऐसे एक्टर्स जो अपने आप को संवेदनशील स्थिति में डालने को तैयार हो। सैफ ने कैरेक्टर की डिमांड के अनुसार खुद को इस स्थिति में डाला और शानदार रोल निभाया। बता दें लाल कप्तान 18वीं सदी के बैकग्राउंड में बनी एक न्यू वेस्टर्न फिल्म है। इसमें सैफ अली खान ने नागा साधु का रोल प्ले किया है। ये फिल्म 18 अक्टूबर को रिलीज होगी। फिल्मी अड्डा से शिवांगी शुक्ला की रिपोर्ट।